नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है लो लेवल फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पे हम रेयर टॉपिक को लेके बात करेंगे कि लो लेवल फॉर्मेट क्या होता है और इसको किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप अपने हार्ड डिस्क को रिपेयर करना चाहते हैं या हार्ड डिस्क को आप ठीक करना चाहते हैं, उसमें बैड सेक्टर पड़ गए हैं, तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए लो लेवल फॉर्मेट हमें कैसे करना है और लो लेवल फॉर्मेट के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकें इंटरनेट से और अपने हार्ड डिस्क को लो लेवल में फॉर्मेट करके उसको रिपेयर कर सकें। सब्सक्राइब द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। ये लो लेवल फॉर्मेट होता क्या है? तो यहाँ पे लो लेवल फॉर्मेटिंग का उपयोग हार्ड ड्राइव को आरंभ करने और हार्ड ड्राइव पर एक्चुअल सेक्टर्स और ट्रैक्स को बनाने के साथ साथ ड्राइव पर डेटा को रीड और राइट करने के लिए आवश्यक नियंत्रण, यहाँ पे देखना है, नियंत्रण संरचनाओं को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम लो लेवल फॉर्मेट में सेक्टर और ट्रैक्स को बनाते हैं जिसके ऊपर हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर लो लेवल फॉर्मेट में हमें सेक्टर बनाने होते हैं और ट्रैक्स बनाने होते हैं और इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स के ऊपर डेटा को लिखा जाता है जिसको हम रीड कर सकते हैं और उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। तो इसी को बनाने को हम लो लेवल फॉर्मेट बोलते हैं। तो हार्ड ड्राइव में हम लो लेवल फॉर्मेट करने के लिए किस प्रकार से उसको करेंगे ये आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर को हम देखते हैं, जो सेक्टर्स है वो यहाँ पर एक ब्लॉक को यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेक्टर होता है जो एक पूरा यहाँ से यहाँ तक एक इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेक्टर। इस तरीके से इसको पूरा सेक्टर बोला जाता है। और ब्लॉक हम बोल सकते हैं जो बीच में ये एक ब्लॉक पड़ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ये ब्लॉक है। और इसके बाद जो सिलेंडर है इसको हम बोल सकते हैं जो पूरा ये एक ब्लॉक का एक पूरा राउंड है, इसको हम बोल सकते हैं सिलेंडर। और क्लस्टर हम बोलते हैं जो ब्लॉक होता है चार ब्लॉक को मिलाकर एक क्लस्टर यहाँ पे बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हार्ड डिस्क के अंदर क्लस्टर, ब्लॉक और सिलेंडर और सेक्टर्स डिवाइड होते हैं और इन्हीं के ऊपर जो है हमारे कंप्यूटर को रीड एंड राइट करना पड़ता है डेटा को। और इसी में कोई सेक्टर में या किसी ब्लॉक में कोई एरर आ जाता है या वो जगह बार बार राइट करके डेटा को वो घिस जाती है, तो इस कंडीशन में वहाँ पर हम बैड क्लस्टर या बैड सेक्टर्स हम बोल सकते हैं और उसी को रिपेयर करने के लिए हम लो लेवल फॉर्मेट करते हैं। तो लो लेवल फॉर्मेट कई प्रकार से होता है। एक तरीका तो होता है कि हम डायरेक्ट हार्ड डिस्क को लो लेवल में फॉर्मेट करें और दोबारा से ये ट्रैक्स और सेक्टर्स को दोबारा क्रिएट करें अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर, दोबारा सब कुछ नया, सेक्टर्स, क्लस्टर, सब कुछ नए क्रिएट करें अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर। एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका होता है जो नॉर्मली हम जब फॉर्मेट करते हैं तो यदि हमें पता है जो क्लस्टर है वो आगे वाले हिस्से में है, पहले है, ये लास्ट में है, तो हम उस एरिया को छोड़कर जो बाकी सही बचा एरिया होता है उस पे पार्टीशन क्रिएट करते हैं जिससे कि जब हम कंप्यूटर पे डेटा को रीड करें या राइट करें तो सिर्फ डेटा जो है वो सही जगह जहाँ पर अभी क्लस्टर स्वस्थ हैं वहीं पर वो रीड और राइट हो, जिसके माध्यम से हमारा जो हार्ड डिस्क है वो उस जगह पर पहुँचे ही ना, उस जगह को पढ़े ही ना जहाँ पर बैड सेक्टर है। तो ये तो नॉर्मल जब फॉर्मेटिंग में पार्टीशन आप करते हैं, तो अगर यदि आपको पता है कि स्टार्टिंग में बैड सेक्टर है या लास्ट में है तो उस एरिया को आप छोड़कर आगे से पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और यदि वहाँ पर बैड सेक्टर आपको बीच में मिलते हैं और कोई माध्यम नहीं है कि आप उस जगह को छोड़ सकें, तो आप वहाँ पे लो लेवल फॉर्मेट LL फॉर्मेट वहाँ पे आप करते हैं। तो LL फॉर्मेट करने के लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो जो इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि DM, डिस्क मैनेजर,
एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं डीएम करके, ये आपको जो है बैड सेक्टर को हटाने और लो लेवल फॉर्मेट में आपकी हार्ड डिस्क को बनाने में आपकी मदद करता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप परचेस कर सकते हो ऑनलाइन, और फ्री में भी परचेस कर सकते हो, और फ्री वर्जन भी आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जिनको आप डाउनलोड कर लीजिए। और उनको डाउनलोड करने से उसके बाद आप उसको लो लेवल में फॉर्मेट कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क को। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, और ये इन्फॉर्मेशन लो लेवल फॉर्मेट से संबंधित अगर आपको सही लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचाए जा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।